जय श्री राम दोस्तों। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये साक्षात हनुमान जी की होने वाली है, मतलब हनुमान जी के चमत्कार की। तो मेरा ना एक काम था जो हो ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से हम दोनों बहुत प्रॉब्लम में थे, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या क्या कर लिया हमने, कौन कौन से देवी देवता के दरबार में हम चले गए, मतलब काम बन के ही नहीं दे रहा था। तो फिर क्या हुआ था कि हम ना वैष्णो देवी गए, तो वैष्णो देवी गए वहाँ पर मत्था टेका, माता रानी से प्रार्थना करी कि माता रानी प्लीज़ कुछ कर दो। फिर जब वहाँ से आ गए तब भी कुछ काम नहीं हो रहा, पर कहते ना कि मेरे माइंड में सडनली एक थॉट आया कि क्यों ना मैं हनुमान जी के नाम का एक नारियल रखूँ और मैं 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करूँ। सडनली आया, मैंने कहीं से देखा नहीं, कहीं से सुना नहीं, बस आ गया। तो मैं तो ये कहूँगी माता रानी का चमत्कार था जो उन्होंने मुझे इशारा किया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार चलो ऐसा करके देखते हैं, तो उन्होंने बोला यार रश्मि इन चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता। मैंने कहा देखो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, करके देख लेते हैं क्या जाता है। तो उन्होंने बोला ओके चलो ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड ने 11 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया। रोज सुबह उठते थे और हनुमान चालीसा का पाठ करते थे 11 बार 11 दिन तक। मैं भी उठती थी, हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। मैं 11 बार नहीं करती थी, मैं दिन में एक ही बार करती थी सुबह सुबह। तो क्या हुआ कि 10 दिन हो गए, मतलब 9 दिन हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर बट 11वें दिन वो काम हमारा पता नहीं कैसे हो गया, मतलब वी वर शॉक्ड कि ये कैसे हुआ। मतलब हमने दोनों ने वहीं पर हाथ जोड़ के हनुमान जी के आगे बैठ गए कि ये जो भी कुछ हुआ है ना बस आपकी वजह से हुआ है, और हमारा वो काम जो इतने सालों से नहीं हो रहा था और इतने माथा पट्टी कर ली थी हमने फिर भी नहीं हो रहा था, और वो 11 दिन के हनुमान चालीसा के संकल्प से हो गया, तो वो काम हमारा हो गया। एंड फिर उसके बाद हम, क्योंकि हम लोग जयपुर में रहते हैं, तो हम लोग सालासर धाम गए। हमने वो जो नारियल, हमने एक नारियल वार के रखा था, तो वो नारियल हमने सालासर धाम पे चढ़ाया और उन मत्था टेका। उसके उस दिन के बाद से उनके हनुमान जी के लिए मेरे दिल में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति हो गई कि मैंने हनुमान जी के फिर व्रत भी किए। और आपको पता है वो हनुमान जी इज लाइक माई सन, ऐसा हो गया, क्योंकि लड़कियां तो कर नहीं सकती उनके व्रत, तो अगर आप उनको अपने बेटा मान के उनका व्रत करोगे तो वो लगेगा। तो मतलब उस व्रत के दौरान भी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जो बहुत ही चमत्कारी थे। तो मैं तब से हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। अब आप बोलोगे काम क्या था ऐसा। गाइस मैंने एक गाड़ी ली थी, सेकेंड हैंड BMW X1। उस गाड़ी में स्प्रिट इशू था, स्प्रिट किसी का एक्सीडेंट हुआ था उस कार में, तो उसकी जो स्प्रिट थी वो मतलब उस कार को छोड़ ही नहीं रही थी। और ये क्योंकि हमें पता नहीं था जब हमने ये कार ली थी, आपको पता है अगर आप कोई भी कार सेकेंड हैंड ले रहे हैं और डीलर से ले रहे हैं तो वो कहीं कैसे ना कैसे करके चेपेगा ही आपके, मतलब वो अच्छी क्वालिटी अच्छी चीज़ें ही बताएगा आपको, वो ये भी नहीं बताएगा एक्सीडेंटल है या नहीं है, कुछ भी नहीं बताता वो अच्छा अच्छा बताता है। तो हमने भी सोचा कि चल ले लेते हैं करके, हमने ले ली। और फिर जो हमारे साथ हुआ है ना मैं बता नहीं सकती, उस कार ने ना हमारा मतलब सारा बजट खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। उसकी वजह से हम मतलब फाइनेंशियल लॉस में चले गए थे बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कार मतलब अगर उसमें हम किसी जैसे कहीं भगवान जी के दरबार पे दर्शन करने जा रहे हैं तो सब कुछ सही चलता था, बट अगर हम आ जाते थे या कहीं और ऐसे जाते थे तो कार स्टार्ट ही नहीं होती थी। और उस पर और भी उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, मैं अभी ऐसे हॉरर वीडियो नहीं बनाना चाहती। तो वो हनुमान जी की कृपा से वो सब सही हो गया, वो कार हमारी कैसे ना कैसे बिक गई और हमने डीलर को ही बेच दिया। हमने कहा अब तुझे जो कर रहा है इसके साथ कर, पर किसी और को मत दियो, और वो चले गए। ठीक है कि मैं अपने आप कर लूंगा इसका जो करना है। और बहुत लाइक पहले तो हम इसको जब बिक भी नहीं रही थी वही ये कार, मतलब ऐसा हो गया था कोई लेने के लिए रेडी नहीं था। ऐसा नहीं कि हम बता रहे थे उनको कि ये प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बता रहे थे, बट फिर भी नहीं बिक रही थी। बट जैसे ही हनुमान जी का हमने संकल्प लिया 11 दिन का, तो वो कार भी बिक गई और हमारे पैसे भी बच गए, और एक जो हैंडसम अमाउंट हमें जो चाहिए था, मतलब हाँ वो उतने में ही बिकी है जितने में हमने ली थी, आई थिंक उससे थोड़े बहुत कम में हमने बेच दी वो, तो क्योंकि चलाई तो थी नहीं हमने, सिर्फ एक दो बार हमने चलाई थी, उसके बाद तो उसमें प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई थी। तो बट हमारे साथ हनुमान जी ने हेल्प करी हमारी, वी आर ब्लेस्ड कि हनुमान जी हमारे साथ है। तो आप लोगों के साथ भी हनुमान जी हैं, सबके साथ। तो अब क्या है, हनुमान जी तो सबके होते हैं, सबके साथ हैं। तो अगर आपके भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो जो मैं बता रही हूँ करके देखना। 11 दिन का हनुमान जी का संकल्प लो, सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति के साथ करो, वो काम
आपका ना हो जाए तो मुझे बताना, हनुमान जी जहां भी होंगे ना वहां से उठ के आपका काम करने सबसे पहले आ जाएंगे। और एक और चीज मेरी हुई थी, मेरे को ना गॉल ब्लैडर में स्टोन था और मेरा स्टोन फट गया था और मेरा गॉल ब्लैडर सिकुड़ गया था एकदम। तो जब मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने बोला कि इसका बचना भी मुश्किल था, मतलब कैसे बच गई लड़की। और जब वो मेरा सर्जरी कर रहे थे तो आपको पता है सर्जरी के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मुझे सपने में एक बाबा दिखे और उन्होंने मुझे बोला कि चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। और फिर डॉक्टर पता है क्या कह रहे हैं, ये लड़की बच गई ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका गॉल ब्लैडर जो तो बिल्कुल सिकुड़ चुका था और स्टोन भी इसके फट चुके थे बिल्कुल, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हमें पेट काटने तक की नौबत आ गई थी, बट फिर किसी ना किसी तरीके से हमने मैनेज किया और जो है इसका फिर जो पेट काटने की नौबत नहीं आई। एंड ये तो सोचो कि इसने सेकेंड जन्म लिया है। एंड मैं अपने हस्बैंड की तरफ देख रही और मैंने उनको बताई दिया था, मुझे एक बाबा जी दिखे तो वो मुझे बोले कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम मैं हनुमान जी के फास्ट करती थी एंड वो बाबा जी कोई और नहीं, वो हनुमान जी थे जो साक्षात मुझे दिखे थे, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था मेरी पूरी सर्जरी के दौरान। तो मैं थैंकफुल हूँ हनुमान जी की हमेशा ही, और वो हमेशा मेरे साथ है। आज भी कभी मुझे कोई प्रॉब्लम आती तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है मेरे मुँह पे कि वो है तो सब सही हो जाएगा। तो आप लोगों से भी यही बोलती हूँ कि प्रॉब्लम कैसे भी हो उनको याद करो, वो आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय, जय श्री राम।